एप्पल वालों ने अपनी 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि 3 मोबाइल लॉन्च किए गए हैं और कुछ स्मार्ट वॉचेज और एक बड्स। तो आईफोन 14, 14 प्लस और 14 प्रो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 14 प्रो की। तो ये काफ़ी कुछ अलग लेकर आता है अपने साथ, जो काफ़ी बढ़िया। तो इसमें हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले आपको साइज मिलेगी 6.21 इंच की LTPO सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले मिलेगी, जो 120 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और HDR मतलब 10 डॉल्बी विजन और 1000 निक ब्राइट से लेकर मतलब 2000 की निक ब्राइट तक ये चलेगी। इतनी ब्राइट डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है इसकी, जो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। तो इसमें आपको इसके जो ग्लास हैं वो भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, मतलब सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो आपको चाहिए। तो इसे आपको पता है 7 तारीख को लॉन्च हो चुका है, 2022 में। तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो इस जो आईफोन 14 प्रो इसकी बैटरी में भी इम्प्रूव कर देगा, जो पहले इस बैटरी बैकअप था वो आपको 20 आवर का मिलता था, अब इसमें आपको 26 आवर का बैटरी बैकअप दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया मतलब अच्छे से चलेगी। तो इसमें आपको iOS 16 मिल जाता है, और इसमें चिप आती है वो आती है एप्पल की खुद की आती है A16 बायोनिक चिप, जो 5G तो है मतलब 14 नैनोमीटर बेस्ट चिप आज। तो इस पर कैसी गेमिंग वगैरह करो, कोई भी लैपटॉप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा आपको इसके अंदर A16 पर परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसमें आपको ना तो एक्स्ट्रा कार्ड लगा सकते हो। तो इसमें हम बात करते हैं इसकी रैम और रोम, इसका जो बेस्ट वेरियंट है वो आपको मिलता है 6128 वाला और 6256 और 6512 GB वाला मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, मेन बात है जो कैमरा, इसमें कैमरे में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। जो प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जो काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है। तो और हम बात करते हैं इसे जो LED फ्लैश है वो भी आपको मिलते हैं वीडियोग्राफर की, तो और आप इसमें 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आराम से। सिनेमेटिक मोड में भी आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हम सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, सेल्फी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है, 12 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो काफ़ी है। इसमें भी आप सिनेमेटिक में 4K 30 FPS पर वीडियो कर सकते हो जो, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करते 4K 60 FPS पर, जो काफ़ी बढ़िया। तो हम इसमें वीडियो आता है तो वाईफाई मिल जाता है और ब्लूटूथ वगैरह मिलते हैं इसमें, तो सब इसमें कनेक्ट किए, तो मतलब ऐसे ही है मतलब टॉप ऑफ द लाइन है कनेक्टिविटी। तो इसकी अब बात करते हैं बैटरी, जो बैटरी आपको पता नहीं है पर कितने बताते हैं, मतलब 26 घंटे बता रहे हैं। तो इसमें वो 50% होने में 30 मिनट लगेंगे, और USB डिलीवरी 2.0 है मतलब, तो 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और फर्स्ट वायरलेस चार्जिंग 7.5 वाट की करता है। एक आप बस ये कुछ इसके अंदर देखने को मिला है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते बेल का आइकन को जरूर दबा देना ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।